वेलकम बैक। तो आज हम जा रहे थे ओमकालेश्वर, तो सोचा मैंने कि आज एक ब्लॉग शूट करते हुए देखते हैं कैसा पब्लिक का रिस्पॉन्स आता है। तो गाइस यार देखिए, आज हमारे साथ है अविनाश एंड अंकित, लालू भैया, ललित। तो अब हम सब लोग जा रहे हैं। देखिए हमारे पास दो बाइक हैं, एक ये स्कूटी है एंड ये पल्सर। तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे। अभी थोड़ा खाना वाना खाने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं, तो खाना पीना खा के और फिर चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे की कहानी। कर रहा है, उसके पीछे बैठा हुआ है ललित, अंकित बैठा हुआ है यहाँ पे पीछे। यहाँ पे अभी ड्राइविंग कर रहा है। बोल रहा है इधर गाड़ी लेके आए पास में, तो हटा ली। देखिए लालू भाई क्या बोल रहे हैं अपने। तो भाई ये मस्ती घोर आदमी है बहुत ज़्यादा ही। आपको एक से एक स्टंट देखने को मिल जाएंगे इनके आर्मी। ये भाई बोल रहा है सब्सक्राइबर मिल गए हैं, तो चल ही दो। और कैसे हो? क्या बढ़िया था गुरु। देखिए इधर मस्ती करते हुए जा रहे हैं रास्ते में ही। देखिए गाइस यहाँ पे खंडवा रोड पे हम अभी चल रहे हैं। पाताल पानी भी एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे झरने वगैरह हैं और वाटरफॉल वगैरह है। तो अगर आप वहाँ पे जाना चाहें तो वहाँ पे भी जो है घूम सकते हैं। रोड हमको मिल चुका है अच्छा वाला, मे भी आगे चल के कोई गड्ढे वगैरह ना हो तो वो हमें आगे चल के पता चलेगा। फर्स्ट बार जा रहा हूँ मैं ओमकालेश्वर। व्यू देखिए यहाँ का, क्या व्यू है। लालू कहाँ है भैया? हमारा एक शादी पीछे आ रहा है। लालू भैया नजर दिखा दीजिए आपकी। देखा जी यहाँ पे लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, फोटोज वगैरह। तो हम भी आगे चल के क्लिक करते हैं। कैसा लग रहा है लालू भाई, कैसा लग रहा है एकदम? ललित भाई व्यू कैसा लग रहा है? व्यू मुंडी नहीं हिलानी, मुंह से बोलना है। गाइस देखिए ये कितने भुक्कड़ लोग हैं, पहुंच गए हैं फिर से खाने के लिए। तो चलिए हम भी खाते हैं कुछ और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। ये हमारी यहाँ पे बाइक खड़ी हुई पल्सर एंड ये यहाँ पे स्कूटी है। चलिए चलते हैं यहाँ पे सामने कुछ खाते हैं और फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे लालू भैया खड़े हुए हैं, इनके दो भाई खड़े हुए हैं हमारे। तो चाय वगैरह पीते हैं फिर चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। चलिए वहाँ पर वैसे यहाँ पर ला के नहीं देते, हमें खुद यहाँ से ले जाना पड़ेगा और वहाँ पे खाते हैं हम, क्योंकि ये फेमस जगह है यहाँ की। वो देख सकते हैं आप भीड़ भी कितनी ज़्यादा क्राउड हो रहा है। इंदौरी पोहे देख सकते हैं, ये इंदौरी पोहे हैं गाइस। यहाँ पर खा रहे हैं आलू बड़े। तो गाइस हमने खाना पीना भी खा लिया है
एंड उसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन करने। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। अविनाश चल रहा है अपने साथ। देखिए टीका लगवाने वाले हैं। देखिए यहाँ पुल बना हुआ है गाइस। देखिए यहाँ पे पानी आ रहा है नीचे से। दर्शन वगैरह कर चुके हैं एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं लालू भैया हमारे जूते पहन के निकल चुके हैं। गाइस यहाँ पे ये दादी जी चंदन लगाई तो हम लगवाते हैं। दादी जी हेलो बोलिए इनको। हाय जो कामना आपको भी दादी जी शुभकामनाएं। कचोरी खाऊंगा भैया। पगल अपना अंतरयामी घुमा के बता दे। ले दुआ भी ले जा और आज दौलत भी ले जा। क्या नाम है तेरा? अविनाश। अविनाश ये देख माँ का किसी को अभी मोल से मंगता तो नहीं देती। तेरे घर में तेरी मम्मी लक्ष्मी है। हुआ चाहिए दौलत तो तुम्हें भगवान जा रहे हैं तेरे नाम से कुछ प्रसाद मिले किसी से नाराजी नाराजगी। उसमें 9 दिन में देखना तेरे को क्या देते हैं। ये फूल में नहीं मोती में फिर कभी आएगा तो माँ को भूलना नहीं। दौलत में आके भगवान को मत भूलना। नाराज तो नहीं तो उसको देखो। क्या बात है इसमें खाली गाड़ी में कोई मत नहीं तो अपना पैसे का गल्ला रुपया नहीं तेरे पाकर पापा से तेरा जमा दिमाग गमन मत कर। गमन का तो प्रभु ने हार कर रखा तो हर सारे संकट है। सुख शांति दे लगी तमन्ना पूरी कर। मुझसे बोल वो भूसी का दान और गंगा का जब पैसे आना हाँ मोती दिया है तेरे को माँ ने इसे लेके जाए जो क्या कर रहा है। तो हमारी फोटो नहीं खींचना तेरे को सुखने में नौ देवी सताई हमारा फोटो नहीं। देखिए गाइस हम लोग ने उनसे टीका लगवाया और 100 रुपए में 5 जन को टीका लगाया उनने। मेरे तो इनको मना करा लेकिन ये सब तो गाइस क्या होता है कि मतलब जो लोग नए आते हैं बच्चे वगैरह तो ये लोग उनको मतलब ठग लेते हैं ज्यादा पैसे ले लेते हैं। लेकिन क्या है अब दुआ वगैरह देने लगते तो बोलते हैं दुनिया भर की बातें। तो गाइस इस टाइप से अगर आप आए तो ये 20-30 रुपए में लग जाते हैं लेकिन उनने 100 रुपए ले लिए। तो दादी जी पैसे वापस करती हैं या नहीं? 51 रुपए तो ठीक थे 50 ले लेती लेकिन पूरे के पूरे रख लिए। देखिए गाइस वहाँ पे ललित है जो वो एक पंडित जी बैठे हुए हैं वहाँ पे देख सकते हैं आप। तो क्या हुआ एक्चुअली उसने कुछ कुंडली वगैरह पूछ ली तो ये लोग क्या करते हैं
कि जैसे अगर अपन इनसे कुछ पूछो, ये जो बैठे रहते हैं भगवानों के, मतलब जहाँ पर भी मंदिर वगैरह होते हैं मंदिरों के बाहर, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं कि अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, तेरे साथ गलत हो जाएगा, दुनिया भर की बातें करते हैं। तो देखिए किस टाइप से ये अपने ट्रैक में फंसाते हैं ये लोग। तो सब ऐसे नहीं होते हैं लेकिन फिर सो यहाँ पर देखिए ये ललित बैठा हुआ है हमारा, लेकिन ये जो बाबा हैं क्या पता उनने उसको क्या बता दिया है। देखिए कुछ बता रहे हैं वो बाबा, तो अब क्या बता रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा अपन को, उसी से पूछेंगे कि इनने क्या बताया। बाबा जी का कहना है कि उनको भूख लग रही है, खाना खिलाया जाए, और मेरे पास अभी पैसे नहीं है। बाबा जी थोड़ा कुछ ज्ञान दे रहे। ये बोझ क्यों खोली थी आपने? बाबा दिल देखना चाह रहे थे कि तेरा दिल है या देने का नहीं है। तो हमारा अच्छा। दिल तो खूब बड़ा है भाई, कुछ भी हो जाए। तो ये बाबा बोल रहे थे कि मतलब ये आजमा रहे थे इनको कि ये कुछ दे सकते या नहीं, तो इनने घड़ी खोल के भाई साहब ने दे दी थी। लेकिन मत नहीं है भाई, लेकिन उन लोग ने, लेकिन उन्होंने इसको वापस कर दिया है ना। ठीक है चलो भाई, तो चलते हैं, बहुत लंबा रास्ता है हमारा भी, आगे चल के आपको और भी अच्छे। भाई आज हमें भैरव बाबा के दर्शन नहीं हो पाए, इन सब ने तो कर लिए है, लेकिन थोड़ा कुछ ज्ञान मिलता है तो लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा जगह जगह से। चलिए तो ठीक है, पर अंधविश्वास ज़्यादा है यहाँ। ठीक है गाइस, जो भी है विश्वास रखो भगवान पे, बाबाओं पे नहीं। सही बात बोली है भाई ने, विश्वास रखो भगवान पे, बाबाओं पे नहीं। तो चलो चलते हैं अब, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। अच्छे के लिए होता है, हो सकता है कुछ आगे। दादी जी जो थी उनने जो ये टीका लगाया इसके, उनने 200 रुपये दिए भाई ने अविनाश ने, तो 200 ही रख लिए थे, लेकिन फिर हम लोग ने उनसे बोला तो उनने 150 रुपये वापस कर दिए। ऐसे गाइस लूट की भी एक हद होती है, यहाँ पे ये लोग भूले वाले लोगों से ऐसे ही 200-500 रुपये ले लेते हैं, और उनको बता देते उल्टी सीधी बात है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, दुनिया भर की बात है। अभी अविनाश को क्या फूल दिया था ना एक, अविनाश को एक फूल दिया था उन्होंने, और उनसे बोला कि इसको जहाँ पे आप पैसे वगैरह रखते हो वहाँ पे इसको रख लेना, तो क्या हुआ कि मतलब धन से संपन्न रहोगे हमेशा। लेकिन गाइस ये सब फिजूल की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर गाइस हम लोग जो धन रखते हैं वो पेटीएम में रखते हैं, फूल को हम पेटीएम में कैसे रख सकते हैं आप ही बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, रखा जा सकता है क्या हमसे? हम लोग ऑनलाइन वॉलेट यूज़ करते हैं, तो बताइए आप कैसे रख सकते हैं। आप लोग भी कहीं मंदिर वगैरह जाते हैं तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो इनकी दुआएं रहती है कोई ऐसा निकाह दी, अगर किसी गरीब को आप कोई दान देते हो या किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो वो चीज़ मैटर करती है यहाँ पे, क्योंकि उस वो जो दुआ देगा वो आपको लगेगी। लेकिन ये जो है ये सब लुटेरे रहते हैं, तो आप इनसे सावधान रहें, वो सतर्क रहें। ठीक है, यहाँ पे आगे कुछ हो गया है शायद मे बी, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक इस चक्कर में लग गया, क्योंकि आगे कुछ हो रहा है। देखा अभी हम नर्मदा नदी पे आ चुके हैं, देखिए पीछे हमारे तैयार हो चुके हैं, देखिए यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं, बाइक यहाँ पे गाइस हमारी साथ पटके हाथ में आ चुकी है। तो गाड़ी चलाने में तो बहुत आनंद आ चुका है, हमारे भाई साहब से पूछिए कि कैसा आनंद आया इनको, क्योंकि भाई जो रोड था वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, मतलब कि इतने गड्ढे हैं क्या बताऊं। देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी के किनारे पे अभी हम खड़े हैं, और अभी भी हम दूर हैं, जहाँ पे हमें जाना है वहाँ से हम अभी भी दूर हैं। ओमकालेश्वर अभी भी 10-1 किलोमीटर बचा होगा। तो गाइस यहाँ पर अपना ओमकालेश्वर हम आ चुके हैं, यहाँ से पीछे आप देख सकते हैं। तो गाइस यार हम लोग को 3 घंटे रेगुलर लग चुके हैं यहाँ पर आते आते, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, इस चक्कर में हम लोग यहाँ पर आते आते लेट हो गए। देखिए ये सब लोग यहाँ पर सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। हाँ गाइस बहुत आनंद आ चुका है हमें, तो आज हम मंदिर पहुँच फाइनली मंदिर पहुँच चुके हैं हम लोग, पूरे 3-4 कितने घंटे 4 घंटे 4 घंटे लग चुके हैं हम लोग। इतना ट्रैफिक मिला हमें कि हमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। और रोड गाइस रोड ऐसी हो रही है,
कि अगर किसी को बाबा सिर भी होना तो भी मजा आ जाए उसको। देखिए गाइस रोड बहुत ही ज़्यादा बेकार है, तो चलो हम अंदर चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं मंदिर के दर्शन वगैरह कराते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर बोट वगैरह चल रही है, मतलब कि जो लोग यहाँ पर घूमना चाहते हैं वो बोट से घूम सकते हैं। एंड यहाँ पर एक मंदिर ये बना हुआ है और अब हम देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, मुझे क्योंकि आइडिया नहीं है अभी कि कौन से मंदिर पहले जाना है। जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं उनको पता होगा, आप देख सकते हैं बहुत लोग आए हुए हैं बिकॉज बात जो है आज साल का फर्स्ट डे है तो सब लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर भी आए हुए हैं। हम जाएंगे अंदर और अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है क्योंकि बहुत सारे शरणार्थी होंगे जो कि ये गाइस देखिए एक क्यूट सा बंदर बैठा हुआ है यहाँ पे। मोबाइल दूर रखे, मोबाइल जोर से पकड़े, मोबाइल लेके भाग सकता है ये और नीचे जाके फेंक सकता है, इसीलिए हम दूर से इसकी वीडियो बनाते हैं। देखिए गाइस क्या मस्ती में बैठा हुआ है, यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है। सारे बंदर आ चुके हैं, एक-एक पेड़ी पे बैठ चुके हैं। देखिए गाइस जोर से पकड़ ले मोबाइल, वो जोर से पकड़ ले। देखिए मत करो उनकी तरफ, मत करो उधर। देखिए एक एक दरवाजे पे बैठे हुए हैं और ये हमारा मोबाइल लेके भी जा सकते हैं गाइस। देखिए गाइस ये बहुत डर लगता है। यहाँ से अब हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे एंट्री टर्निंग पॉइंट है। देखिए लालू बता रहा है कैसे बंदर प्रसाद लेकर भागते हैं, नीचे उतरते हैं। हाँ फिर बताना ये भाई अपन को बताया कि कैसे यहाँ के जो बंदर है वो प्रसाद लेके भाग जाते हैं। इस साइड जाना देखिए गाइस दिस इज वेरी फनी मूवमेंट, बताया कैसे बंदर प्रसाद लेकर जाते हैं तुम्हारे लालू भैया। चला 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 चला, ये देखिए गाइस क्या करोगे चना का, ये भाई चने बेचने लग गया क्यों, ये बिजनेस कब खोल लिया भैया आपने? भैया ओ भाई बिल्कुल यार, चने दो मुझे खाता हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने शिव जी के, अभी हम मंदिर तक नहीं पहुँचे हैं गाइस, अभी हम जा रहे हैं। ठीक है सीढ़ियों पर बैठ करना ना स्वच्छता बनाए रखें, तो अब जाते हैं। जिस जिसको नहाना होगा वो यहाँ पर नहाएगा और मैं तो नहीं नहाने वाला भैया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मुझे सर्दी हो जाएगी जल्दी, इसीलिए मैं नहाने वाला तो नहीं हूँ बिल्कुल। जैसे उज्जैन में है उसी टाइप से यहाँ पे माहौल है, देखिए यहाँ पर ये बोट रखी है लेकिन उज्जैन में कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा। हाँ यहाँ पर क्राउड ज़्यादा है, उज्जैन में क्राउड कम है लेकिन यहाँ पर क्राउड ज़्यादा है और मान्यता बहुत ज़्यादा है महाकाल बाबा जी, मान्यता यहाँ पर महाकाल बाबा की बहुत ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर लोग नहाते हैं, चलिए हम चलते हैं, पानी बहुत गहरा है गाइस। देखिए जहाँ तक आप देखेंगे चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखने वाला है यहाँ पे। तो कौन कौन नहाने वाला है, लालू दादा अपने रेडी, ये भी नहाने वाले हैं रेडी हो रेडी, मतलब सब लोग नहाने वाले। तो देखिए मोबाइल, अरे मैं तो रेडी हो गया नहाने के लिए, सब लोग रेडी हो गए नहाने के लिए, मैं बस नहीं नहा रहा और ये लोग सब, ये सब रेडी हुए लेकिन नहाने के लिए कपड़े नहीं उतारे, लेकिन मैंने उतार दिए। देखिए देखो मजा आएगा, आ जाओ नहाने, ठंडा है लेकिन मैं भी जा रहा हूँ, हवा भी हो रही है और नहाना भी है। गाइस यार देखिए मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, जो श्रद्धालु है बहुत ज़्यादा, तो हम अंदर जाने का ट्राई नहीं करते, हम बाहर से ही दर्शन कर लेंगे और उसके बाद जाते हैं घर।
एंड गाइस आप लाइन देख सकते हैं, बहुत लंबी लाइन लगी है। दर्शन करने के लिए रुकते हैं तो कम से कम 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। तीन चार का दिखाओ ऊपर घुमा दिया। तो वैसे आप देखिए दर्शन करने के लिए हम अंदर नहीं जा रहे हैं, वहाँ भीड़ ज़्यादा है। तो सब लोग अब हम यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करते हैं। 4 से 5 घंटे लग जाएंगे दोस्तों, और अगर हम 4-5 घंटे यहीं बिता दें तो हम घर नहीं जा पाएंगे, घर जाएंगे 2 बजे तक, 11 बजे। इसीलिए गाइस निकलते हैं घर के लिए और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। एक बार सबको दिखाया जाए। देखिए गाइस तो हम आ चुके हैं बाहर, अभी मंदिर के बाहर आ चुके हैं ब्रिज के ऊपर। देखिए आप जहाँ से हम लोग अंदर एंटर करे थे वहीं पे आ चुके हैं। तो गाइस आज हम इसी ब्लॉग को यहाँ पर एंड करने वाले हैं। एंड ये है ललित भाई। हाय गाइस, हाय नहीं, बाय का टाइम आ गया। हम बाय 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 नेक्स्ट वीडियो में, मजा आ गया। और एक नई लोकेशन की जगह, अगर आपके लिए ब्लॉग पसंद आया हो सके तो आपके साथ में और भी बंदे आ सके, लाइक एंड सब्सक्राइब भाई चैनल को। बाय बाय। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।